हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 6 चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। सो 6.1, सो दिस इज माउंटेन रेंजेस, दिस इज वन लैंडफॉर्म। देन प्लेट्यूज, प्लेट्यूज क्या होते हैं? माउंटेन से छोटा होता है, और प्लेन एरिया जो होता है, नॉर्मल प्लेन एकदम, उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे इन द लेटर पार्ट्स। द अर्थ हैज एन इंफिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अर्थ में बहुत सारे तरीके के लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। कुछ जो पार्ट है हमारा लिथोस्फेयर, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके। लिथोस्फेयर क्या होता है? जहाँ पे लैंड वाला एरिया जो होता है, तो लैंड वाला एरिया जो होता है, अब उसमें कुछ चीज रग मीन्स रग देते, कुछ चीज घिस जाती है। तो कोई एरिया जो ज्यादा घिस जाता है वैसे भी, और कुछ फ्लैट भी है। दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। अब ये सारे जो लैंडफॉर्म्स बने हैं अर्थ पे, ये क्यों कैसे बने हैं? तो दो मेजर प्रोसेसेस इसके पीछे काम करते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग विद इन द अर्थ। अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सेवरल प्लेसेस। अब हमारा जो अर्थ सर्फेस है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, और इस मूवमेंट की वजह से इंटरनल प्रोसेस काम करते हैं। जैसे कहीं पे सिंक हो रहा होता है। अब हमने शायद चैप्टर नंबर 5 में ट्रेंचेस पढ़ा था। तो ट्रेंचेस क्या है? वो उससे तो बना है जो नीचे धस दिया हमारा कोई चीज। ट्रेंचेस ऐसी जो माउंटेन्स हैं वो भी हमारे ऐसे बने कि कोई चीज जैसे ऊपर निकल गया हो। तो इंटरनल प्रोसेस की वजह से ही ये सारी चीजें होती है। अपलिफ्टमेंट क्या होता है? कि ऊपर आ जाना कोई चीज। सिंकिंग क्या होती है? नीचे नीचे धस जाना। तो इस वजह से, इंटरनल प्रोसेस की वजह से हमारा अपलिफ्टमेंट हुआ है अर्थ का, मीन्स माउंटेन्स बने हैं, प्लेट्यूज बने हैं, और सिंकिंग हुआ है अर्थ का, जैसे ट्रेंचेस बने हैं। और जो सेकंड प्रोसेस है वो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। अब एक्सटर्नल प्रोसेस भी एक कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस होता है। द वियरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोशन। अब एक्सटर्नल प्रोसेस, अब सपोज एक माउंटेन्स है, उसमें से रिवर जा रही है। तो हमने देखा है जब रिवर नीचे आती है तो क्या मिट्टी होती है रिवर बेड पे, मीन्स रिवर के नीचे बेड पे उसके मिट्टी, अब मिट्टी होती है। अब मिट्टी कहाँ से आ जाती है रिवर में? तो पहाड़ों से। जब हमारी रिवर निकलती है, नदी जब हमारी निकलती है, तो वो मिट्टी लेके आती है अपने साथ। अब तो वो क्या कर रही है? वो पहाड़ को इरोड कर रही है, पहाड़ से वो मिट्टी लेके आ रही है। हमें पता है इरोजन क्या होता है? मूवमेंट होती है हमारा सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इरोजन क्या होता है? जब हमारे सॉइल के पार्टिकल्स एक जगह से हटके दूसरी जगह पे आ जाते हैं, उसको हम इरोजन कहते हैं। तो हमारा जब रिवर निकलती है तो क्या हमारा जो पहाड़ है वो इरोड होता है, और मिट्टी वो कहाँ आ जाती है? रिवर पे। तो इससे हमारा, अब धीरे धीरे बहुत सालों तक ये होता रहेगा तो क्या होगा? माउंटेन धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। तो एक इंटरनल प्रोसेस क्या है? जो बनाता है चीजों को, और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? जो खत्म करता है। एकदम सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम समझें, द सर्फेस इज बींग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब सपोज कोई चीज मिट्टी आई पहाड़ से, तो उसने तो मिट्टी, मतलब मिट्टी की वजह से हमारा क्या हुआ? पहाड़ जो है वो छोटा होता रहा, मीन्स इरोड हो रहा है। बट कहीं ऐसा भी होगा, जैसे हम, मैं कह रही हूँ रिवर पे, रिवर के नीचे वो डिपॉजिट हो गया, तो उसे डिपोजिशन भी हुआ, वो वहां पे आके नीचे वो सेटल डाउन हो गया। तो इसके इसकी वजह से वो डिपॉजिट हो गया, तो एक जगह से वो इरोड हो रहा है और एक जगह वो डिपॉजिट हो रहा है। दीज टू प्रोसेसेस, जैसे रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। अब विंड चलती है। अब सपोज कहीं आप, अब सपोज आपने अपने घर में मिट्टी रख रखी है बहुत सारी, उस पर आपने क्या फैन चला दिया, तो क्या उड़ जाएगी और कहीं जाके वो सेटल हो जाएगी। तो जहां से वो उड़ी वहां पे क्या करा उसने? इरोजन। और जहां पे जाके वो डिपॉजिट हुई वहां जाके डिपोजिशन करा। तो अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझे, तो जहां से वो हटेगी वहां पे वो इरोड करेगी, और जहां पे जाके वो बैठेगी दोबारा से डिपॉजिट होगी, उसको डिपोजिशन कहेंगे। नाउ ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप
सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अब हम कैसे कैटेगराइज करते हैं चीजों को, कैसे हम बांटते हैं? तो माउंटेन्स क्या, कितना एलिवेटेड, मीन्स कितना ऊपर तक वो जा रहा है माउंटेन्स, और कितना उसका स्लोप है। स्लोप हम नॉर्मल सी स्लोप हम करते, छोटे पे हम खेलते थे स्लोप, वो कौन सा मतलब होती थी ना एक राइड स्लोप वाली, तो वैसे ही। तो स्लोप हम देखते थे, जितना ज्यादा स्लोप उतनी जल्दी नीचे आएगी चीजें, कोई चीज। सो नाउ वी आर कमिंग टू माउंटेन्स। नाउ द माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। द माउंटेन्स मे बी स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन के नेचुरल एलिवेशन, अब हम मैंने क्या कहा था, इंटरनल प्रोसेस क्या करता है, बनाता है नई चीजों को। अब माउंटेन क्या है, एलिवेट हो गया, एलिवेशन क्या, उठ गया अपना सरफेस, पहले फ्लैट था तो उठ गया कहीं चीज से। द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट, मीन्स जो टॉप होती है, हो सकता है वो बहुत छोटा सा बने माउंटेन, और हो सकता है वो बहुत ऊंचा बने, डिपेंडिंग। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। बस हमें ध्यान रखना है कि जो माउंटेन है वो हमारा जो, अब जैसे हम सपोज यूपी का एरिया, और हम ऊपर अब जब किसी पहाड़ मसूरी में जाते हैं या फिर शिमला जाते हैं तो माउंटेन दिखते हैं हमें, तो नेचुरल एरिया से वो हमारा क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, तो उसको हम कहेंगे माउंटेन्स। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। नाउ सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। एज वी गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। और कभी देखा है आपने पहाड़ों पर जाके कि बादल के अंदर, हम तो एकदम बादल के बीच में चल रहे हैं टाइप ऑफ फीलिंग, तो वैसे ही। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हमें ठंड लगने लग जाती है, तो क्या याद करना है कि टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे माउंटेन्स में जाएंगे हम, वैसे वैसे क्लाइमेट क्या ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठंड होनी शुरू हो जाएगी। नाउ इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। अब जैसे ग्लेशियर्स है ये हमारे पहाड़, जब स्नो एकदम जम जाती है, रिवर्स हमारी आइस की रिवर्स, हम किसको कहते हैं आइस की रिवर्स, ग्लेशियर्स। दे आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट। पीपल लेस पीपल लिव इन द माउंटेनियस एरियाज सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब क्या होता है, अब जो माउंटेन्स होते हैं जरूरी नहीं लैंड पे ही हो, ये हमारे जो ओशियंस हैं सीज़ है, वो इतने नीचे हैं कि वहां पे भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, विच वी डोंट नो ऑब्वियसली नाउ बिकॉज, और हार्श क्लाइमेट की वजह से। अब जैसे हमें पता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती रहती है, और इस हार्श क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो माउंटेन एरियाज पे नहीं रहते हैं। लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरियाज। नाउ सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब स्लोप्स के नीचे स्टीप है, स्टीप क्या होते हैं कि एकदम ढलान वाली स्लोप है। अब फार्मिंग तो क्या प्लेन एरिया पे होती है, ताकि मिट्टी जमी रहे और अच्छे से हमारी क्रॉप्स ग्रो हो एकदम स्ट्रेट, बट स्टीप स्लोप से मीन्स एकदम ढलान वाली स्लोप पे तो अच्छी क्रॉप्स भी ग्रो नहीं होती है माउंटेन्स पे। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। और अगर बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में लगे हुए हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। और बहुत सारे ऐसे हैं जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक साथ पहाड़ होते हैं, तो उनको हम बहुत लंबे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक रेंजेस चल रही है हमारी, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हमारी रेंजेस ही चल रही है। जैसे हिमालयाज, एल्प्स माउंटेन, एंडिस, अदर माउंटेन रेंजेस इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप एंड एंडिस इन साउथ अमेरिका। तो क्या होता है, रिलेटिवली का मतलब क्या होता है, जैसे एशिया, एशिया में क्या है हिमालयाज, यूरोप में क्या है एल्प्स माउंटेन रेंजेस, एंड साउथ अमेरिका में हमारी एंडिस माउंटेन। नाउ माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। अब हर पहाड़ तो ना सेम हाइट का होगा एकदम इक्वल, और सेम वो सेम सेम शेप का होगा, कुछ की एकदम स्टीप स्लोप्स होती है, कुछ की एकदम स्टीप ढलान ना हो के, ढलान एकदम ज्यादा ना हो के, थोड़ा कम ढलान होता है, तो वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, तीन तरीके के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प माउंटेन्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स हम किसको कहते हैं, जिनकी रग्ड रिलीफ होती है, मीन से उबड़ खाबड़ सी रिलीफ है, ये नहीं एकदम एकदम
स्लोप नहीं है, ऊबड़ खाबड़ सी रिलीफ है, और हाई एकदम कॉनिकल पीक एकदम बहुत हाई है। कॉनिकल पीक, कॉनिकल मीन्स कोन की शेप में पीक, ऐसे पीक, कॉनिकल पीक। नाउ द अरावली रेंज इन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरावली रेंज जो हमारे इंडिया में है, इंडिया में कहाँ, जो राजस्थान के साइड में, हमने पिछले चैप्टर में देखा है अरावली रेंज। द रेंज हैज कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोशन। अब वो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरोड हो गई। अब हमने इरोड पढ़ लिया कि एक जगह से चीज हटा के दूसरी जगह डिपॉजिट करना, तो जिस जगह से वो हटेगी तो उसको इरोजन कहेंगे। तो बहुत सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो अरावली रेंज से हटके कहीं और वो डिपॉजिट हो गए हैं। द एप्लेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स। अब जो एप्लेशियंस नॉर्थ अमेरिका में है, ऐसे ही यूरल माउंटेन्स जो रशिया में है, इनके भी लो राउंडेड फीचर्स, राउंडेड फीचर्स। अब जैसे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा हिमालयज और एल्प्स रेंज है वो बिल्कुल कॉनिकल है हमारी, बट जो हमारे एप्लेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका और यूरल माउंटेन्स इन रशिया, उनकी राउंडेड है, मीन्स ऐसे। और कम एलिवेशन है, बस सपोज ये इसकी एलिवेशन इतनी है तो इनकी बस इतनी सी एलिवेशन भी। एलिवेशन मतलब होता है कितनी ऊंचाई है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, बहुत ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो यंग माउंटेन्स होती है उनकी एक तो क्या रग्ड रिलीफ होती है और हाई कॉनिकल पीक्स होते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी राउंडेड फीचर्स होते हैं और लो एलिवेशन होता है। नाउ ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन द लार्ज एरिया ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अब जैसे ब्लॉक माउंटेन है, ये क्या एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, फिर एक फिर ऊपर चला गया, तो जब ऐसे ब्रोकन से मीन्स टूटे हुए और डिस्प्लेस क्या होते हैं, डिस्प्लेस होता है कि एक ऊपर है एक नीचे है, एक तो टूटे हुए हैं और एक ऊपर है एक नीचे, डिस्प्लेस हो रखे हैं अपनी पोजीशन से, मतलब अपनी पोजीशन से हटे हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं, तो अपलिफ्टेड जो होता है मीन्स जो ऊपर उठा हुआ है उसको हम कहते हैं होस्ट, होस्ट, और जो नीचे बैठा हुआ है उसको कहते हैं ग्रेबन। तो याद करना है हमें, जो नीचे है उसको हम कहेंगे ग्रेबन और जो ऊपर है उसको हम कहेंगे होस्ट। द राइन वैली एंड वॉस्गेस माउंटेन्स इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन रेंजेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू लर्न दीज माउंटेन रेंजेस, बिकॉज दे कैन, बिकॉज इन एग्जाम्स दे कैन डायरेक्टली आस्क इट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। नाउ लोकेट देम ऑन द मैप, वर्ल्ड मैप इन द एटलेस एंड फाइंड आउट सम मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ दिस टाइप। तो हमें पता है कि यूरोप कहाँ पे है, हमें पता है नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, तो हमें क्या मार्क करनी है वो रेंजेस। नाउ वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, जो वॉल्केनोस के थ्रू बने होते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट फूजी जापान में, ये सारे ऐसे माउंटेन्स हैं वॉल्केनोस, जैसे वॉल्केनो आया। सपोज वॉल्केनो आया, यहाँ से हमारा वॉल्केनो क्या निकल रहा है, अब ये वॉल्केनो के यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ये ऐसे, ये जो एरिया, ये जो चीजें निकल रही हैं इसमें से बहुत सारी, ये क्या धीरे धीरे यहाँ पे आके डिपॉजिट होती रहेंगी, और फिर बहुत टाइम बाद फिर अगर ऐसे निकला ये, फिर डिपॉजिट होती रहेंगी, तो वॉल्केनो के तो हमारा क्या होगा, पीक खड़ी हो जाएगी ऐसे। तो इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, जो ऐसे पीक से, जो ऐसे वॉल्केनिक में से जो जो भी कुछ निकलता है, ऐश, वाटर वेपर, ये सब जो सेटल डाउन हो जाते हैं जब उसी चीज पे, तो वो एक हमारा माउंटेन बना देते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने हैं इसके, लाइक किलिमंजारो एंड फुजियामा इन जापान। नाउ माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मेनी रिवर्स। अब ये क्यों कह रहे हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर, अब हमारी जो रिवर होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, प्लेन से तो निकलती नहीं है, रिवर्स कहाँ, माउंटेन से निकलते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि मेनी रिवर्स का जो सोर्स है वो कहाँ से है, ग्लेशियर से, बहुत सारी रिवर्स ग्लेशियर से आती है, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर, गंगा ये रिवर हमारी गंगोत्री से,
ऐसी यमुना रिवर, यमुनोत्री से, ऐसी बहुत सारी रिवर्स है जो हमारी ग्लेशियर्स से आती हैं। नाउ रिजर्वर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ द पीपल। अब इससे क्या रिजर्वर्स बनाए जाते हैं ताकि हम इस वाटर को स्टोर कर सके और इन फ्यूचर वी कैन यूज इट, हम उसको यूज कर पाए। नाउ वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज वेरी यूजफुल फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें पता है डैम्स कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे कि हम रिवर से पानी आते तो हम डैम्स बना देते हैं जो हमें हेल्प करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। और इरिगेशन क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर फील्ड्स को पानी देते हैं तो वो भी रिवर्स से देते हैं। और रिवर्स के किनारे ही हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे फार्म्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी आए और हम डायरेक्टली दे दें वाटर फॉर। नाउ द रिवर वैली एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब ये क्यों लिखा है इन्होंने कि रिवर वैलीज एंड क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा ऊपर से क्या सेडिमेंट्स लेते हुए आ रहे हैं, और वो सेडिमेंट्स इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें एग्रीकल्चर के लिए, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो उससे हमारी क्या सॉइल जो है वो बहुत न्यूट्रिएंट, मतलब बहुत ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। नाउ माउंटेन्स आर रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। पता है फ्लोरा इज फ्लावर्स, फौना इज एनिमल्स। तो बहुत सारे फ्लोरास और फौनास हमें दिखते हैं नए नए। नाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम रेजन्स एटसेट्रा। तो जो फॉरेस्ट हैं वो हमें फ्यूल देते हैं। फ्यूल क्या है, लाइक कोल। अब हमें कोल कहाँ से, फॉरेस्ट से ही तो मिल, फॉरेस्ट जब अंदर दब जाते हैं तो हमें फ्यूल मिलता है। ऐसी फ्यूल पहले में हम वुड यूज करते थे जला के, तो वो वुड हमें फॉरेस्ट से मिलेगी। ऐसी फॉडर जो खाना हम जो इनको देते हैं अपने एनिमल्स को, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट जैसे गम और रेजन्स, ये हमें सब कहाँ फॉरेस्ट से मिलेंगे। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ज्यादातर माउंटेन्स पे होते हैं, टिम्बर। नाउ माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, और टूरिज्म के लिए बहुत, जब भी हमें गर्मी होती है भाई समर वेकेशन में कहाँ पहाड़ों पे चलते हैं। नाउ दे विजिट द माउंटेन्स फॉर द सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं माउंटेन्स में। सो विद दिस, तो अब जैसे मैं कह रही थी ना कैसे मैग्मा से कैसे वो बनता है, तो यहाँ पे ये हुआ और ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा धीरे धीरे, ये यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा और एक नई लेयर खड़ी हो जाएगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब दोबारा से कभी निकलेगा तो फिर से हमारी एक और लेयर खड़ी हो जाएगी, जैसे दोबारा से कभी निकला तो फिर एक और हमारी लेयर ऐसी हो गई इस पे, तो एक हमारा ये माउंटेन धीरे धीरे बनता रहेगा। नाउ वी कम टू प्लेट्यूज। अब प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ऐसा होता है प्लेट्यू हमारा, मतलब नॉट लाइक टेबल लाइक टॉप, बस मतलब हल्का सा ऐसे, मतलब एकदम ऐसे करते एकदम हमारा जो माउंटेन्स क्या होते हैं हमारे एकदम फ्लैट होते हैं, बट दीज आर नॉट लाइक दैट, दीज आर लाइक दिस शेप। नाउ स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया के ऊपर जो खड़े रहते हैं। नाउ अ प्लेट्यू में है वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स, एक से ज्यादा ऐसे, जैसे 3D अगर हम इमेजिन करें, 3D में बनानी पाऊंगी, इमेजिन करें तो एक से ज्यादा स्लोप्स है हमारी। द हाइट ऑफ द प्लेट्यूज ऑफन वेरी फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। अब प्लेट्यूज पहाड़ जितने बड़े नहीं होते हैं, माउंटेन्स जितने बड़े नहीं होते हैं प्लेट्यूज, बट फिर भी थोड़े सराउंडिंग एरिया से ऊपर होते हैं माउंटेन्स। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड, कुछ भी हो सकते हैं, यंग या फिर ओल्ड। जैसे डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा है इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। अब डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है, सपोज दिस इज हमारा ये अर्थ है, हमारा ये इंडिया है ऐसे, सो दिस इज आर इंडिया, नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो ये वाला हिस्सा है दिस इज बेसिकली अ डेक्कन प्लेट्यू, तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, दिस पोर्शन। सो दिस पोर्शन इज अ डेक्कन प्लेट्यू। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल्स, तो हमें लर्न करने हैं। नाउ द तिब्बत प्लेट्यू इज वन ऑफ द हाइएस्ट, तो अगर हमें से पूछे कि कौन सा हाइएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, तो तिब्बत प्लेट्यू, जो तिब्बत है होल। अब तिब्बत तो हमें पता है कौन सा है, कहाँ पे,
तो तिब्बत प्लेट्यू है वो है सबसे ऊपर तिब्बत। अब तिब्बत हमारा कहाँ पे है? हमारा यहाँ पे पड़ेगा कहीं तिब्बत। तो ये तिब्बत जो होल है वो हमारा सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है ना। प्लेट्यूज बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि मिनरल्स में बहुत ज्यादा, मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। जैसे ओस अगर हमें चाहिए, आयरन ओस, तो हम यहाँ से एकदम आराम से हमें होते हैं यहाँ पे। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर सुनाओ तो, एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड जो है लोकेटेड प्लेट्यू एरियाज पे। तो जहाँ से भी माइनिंग्स होती है, हमने सुना है माइनिंग्स क्या होते हैं, जहाँ से हम आयरन लेके आते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें, उसमें एल्यूमिनियम जो माइन होती है, तो वो चीज जो माइन करते हैं तो उसको माइनिंग एरियाज कहते हैं, कहते हैं। नाउ द अफ्रीकन प्लेट्यू जो है, अफ्रीकन प्लेट्यू में गोल्ड मिलता है, गोल्ड और डायमंड के लिए बहुत पॉपुलर है हमारा अफ्रीकन प्लेट्यू। नाउ इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन कोल मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। मैंने कहा था ना, मैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा बिहार में पड़ता है, बिहार झारखंड वाला एरिया में। नाउ इन प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। या प्लेट्यू एरियाज में भी बहुत सारे वाटरफॉल बनते हैं क्योंकि क्या हाइट से गिर रहा है पानी। इन इंडिया हुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर स्वर्ण रेखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर द एग्जाम्पल। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमारा स्वर्ण रेखा एंड जॉग फॉल्स कर्नाटका में वाटरफॉल्स का एग्जाम्पल है। अब जो ये डेक्कन प्लेट्यू होता है वो रिच रिच होता है किसमें? ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल की क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्केनोस से आई है ये सॉइल, तो यहाँ पे काली कलर की सॉइल इसलिए है क्योंकि लावा प्लेट्यूज बने, मीन्स जो लावा जो निकलता है ना, मैग्मा जो निकलता है उससे बनी है ये ब्लैक सॉइल। तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, कॉटन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नाउ प्लेन्स, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। अब जहाँ पे हम नॉर्मली लाइक यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र, ये सारे जो एरिया ये फ्लैट एरियाज हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। कुछ प्लेन्स बहुत ही एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं एकदम, कुछ रोलिंग मीन्स कुछ ऊबड़ खाबड़ से होते हैं और कुछ एकदम प्लेन होते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे प्लेन्स कैसे रिवर्स, अब धीरे धीरे क्या होता है, माउंटेन्स में से रिवर्स निकल रही है, धीरे धीरे वो इरोड इरोड होके प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे प्लेन्स बनते हैं, इन बिलियंस ऑफ ईयर्स ये होता है। नाउ दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल बहुत ज्यादा। जैसे अब सेडिमेंट्स वो लेके आ रहे हैं, मैंने बताया ना सेडिमेंट्स वो लेके आते हैं, तो वो क्या नीचे डिपॉजिट करते रहते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं। कोई चीज हम बहुत ज्यादा डिपॉजिट करते रहे, अब एक गड्ढा बना दो आप, लाइक प्ले ग्राउंड में अपने गड्ढा बना दो और उसमें क्या मिट्टी भरते रहो भरते रहो भरते रहो, तो थोड़े बार क्या हो जाएगा, वो एकदम प्लेन हो जाएगा। तो ऐसे हमारी रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेके आती है वो डिपॉजिट कर देती है और हमारा ऐसे प्लेन एरिया बन जाता है। नाउ दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, वो कैरी फॉरवर्ड करके वहां पे वो डिपॉजिट कर देती है और ऐसे हमारे प्लेन्स बनते हैं। जनरली प्लेन्स अब क्या, पहाड़ों की मिट्टी एकदम बहुत न्यूट्रिएंट वाली, तो बहुत फर्टाइल होती है, इस पे बहुत अच्छे से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, अब माउंटेन्स में इतना अच्छा क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। हम आमतौर से सुनते रहते हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया तो हमारी रोड्स ब्लॉक हो जाती है, बट जो हमारे प्लेन्स हैं वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि हर चीज है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो यहाँ पे फूड अवेलेबल है। ऐसी ट्रांसपोर्ट की ऐसे कुछ नहीं कि ऊपर से पत्थर आके गिर जाएगा प्लेन एरिया में, कुछ ऐसा कोई रिस्क नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी जो हमारे पॉपुलेशन है वो यहीं पे ही रहती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स इज फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जैसे एशिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बनाते हैं वो, और चाइना में हमारे यांग्त्ज़ जो रिवर बनाती है। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन्स बहुत जरूरी है, एक तो मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए, और वहां पे अच्छे से घर बन सकते हैं, फ्लैट एरिया है। सो बिकॉज ऑफ इस फर्टाइल
सॉइल की वजह से जो लैंड है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव। हमने मैंने बताया ना फर्टाइल सॉइल, जो ऊपर पहाड़ों की मिट्टी होती है एकदम फर्टाइल सॉइल, वो आती है नीचे। इसलिए इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द कंट्री। तो जो इंडो गैंगेटिक पूरा, जहाँ से गंगा बहते हुए आती है पूरी यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, तो वो सारा सबसे मोस्ट सबसे ज्यादा जो जनता है वो वहीं पे ही रहती है। क्यों? क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी, देन अच्छी ट्रांसपोर्ट, फर्टाइल है बहुत सॉइल, तो फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा इस वजह से। पानी की कोई चिंता नहीं है, रिवर है। नाउ लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। लाइफ इज डिफिकल्ट इन द माउंटेन एरियाज, प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस। इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन दैट अ माउंटेन। अब ऑब्वियसली हर जगह लोग रहते हैं, और सबसे आसान कहाँ रहना है, अब हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, प्लेन्स पे रहना, क्योंकि प्लेन्स पे अच्छी ट्रांसपोर्ट, अच्छा फूड, अच्छे से हम घर बना सकते हैं, फ्लैट में कोई डर नहीं है हमें कि लैंडस्लाइड हो जाएगा या फिर हमारा जो घर है वो नीचे ढह जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वे पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स? तो हमने बहुत डिस्कशन कर लिया इस पे, नाउ यू विल टेल मी दिस। Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. अब हमें earthquakes पता है क्या? एकदम जो जब हमारी अर्थ हिलने लग जाती है, volcanic eruptions पता है, volcanoes आते हैं, storms and floods पता है कि एकदम पानी आ जाता है बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा destruction होती है और बहुत ज्यादा हमारा जो घर है कभी कभी वो टूट जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक में हमारे घर टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा लोग फिर उसमें दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो लॉस ऑफ लाइफ भी होता है एंड आर डिस्ट्रक्शन भी होता है हमारी प्रॉपर्टी का। नाउ बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क। और अगर हमें इन चीजों के बारे में पता होगा तो हम लोअर कर देंगे इसका रिस्क, ज्यादा लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन द वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन द फर्टाइल लैंड, सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड एंड इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन द केयरलेस मैनर। The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for the future generations as well. तो ये हमारी sustainable development की definition हो गई। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एकदम अच्छी soil है, fertile soil, जिसपे cultivation बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट क्या हम वहाँ पे घर बना लेते हैं, तो वो soil हमारी क्या waste हो गई। ऐसी हम जो हमारा वाटर है उसमें हम कूड़ा डाल देते हैं, ठीक है, हम अपनी रोड्स को गंदा कर देते हैं, लैंड को गंदा कर देते हैं, तो हमें ये चीज अवॉइड करनी चाहिए और हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए जो भी नेचर ने हमें दिया है। सो नाउ विद दिस अ चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन, इट्स वेरी सिंपल। द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लेड इन द चैप्टर इज बेसिकली अ टेस्ट हेयर। So if you have any doubt in this exercise, do comment below. And so this our chapter is completed. Thank you. Now and please subscribe this channel. Thank you.